नमस्कार, मैं हूं प्रिया। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, बिहार के सभी यात्री अब राजधानी एक्सप्रेस में सफर करने वाले हैं, क्योंकि अब भागलपुर के रास्ते अगरतला आनंद विहार टर्मिनल के बीच पहली तेजस राजधानी एक्सप्रेस के परिचालन का रास्ता साफ हो गया है। अगर सब कुछ सही रहा तो ट्रेन संख्या 20501 और 20502 अगरतला आनंद विहार टर्मिनल राजधानी एक्सप्रेस मालदा भागलपुर जमालपुर के रास्ते चलाई जाएगी। नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे ने इसको लेकर टाइम टेबल भी तैयार कर लिया है। अब पूर्व रेलवे के मालदा रेल मंडल को समय सारणी पर काम करना है। पहली राजधानी एक्सप्रेस का ठहराव मालदा टाउन स्टेशन के बीच सीधा भागलपुर में होगा। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि जमालपुर में देश का पहला रेल कारखाना इरिमी संस्थान होने की वजह से जमालपुर में भी ठहराव दिए जाने पर मंथन होगा। अभी बाकी है, जमालपुर में ठहराव मिला तो यहां से राजधानी एक्सप्रेस सीधा पटना जंक्शन पर रुकने वाली है। वहीं पटना जंक्शन से आनंद विहार टर्मिनल के बीच किसी तरह से ठहराव का बदलाव नहीं किया गया है। मिली जानकारी के अनुसार कटिहार जंक्शन होकर यह ट्रेन नहीं चलने वाली है। एनएफ रेलवे के सीपीटीएम रश्मि गौतम ने टाइम टेबल जारी करने के बाद रेलवे बोर्ड को पत्र भेज दिया है। 20 साल से भागलपुर के रास्ते देश की राजधानी दिल्ली के लिए राजधानी एक्सप्रेस चलाने की मांग उठ रही थी। रेलवे विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार अगरतला आनंद विहार टर्मिनल राजधानी एक्सप्रेस का परिचालन नए रूट से होने के बाद यह ट्रेन कटिहार बरौनी पाटलिपुत्र स्टेशन नहीं जाएगी। रेलवे के नए रूट और प्रस्तावित टाइम टेबल के अनुसार राजधानी एक्सप्रेस अगरतला से चलने के बाद अम्बासा धर्मनगर न्यू करीमगंज बदरपुर होजाई गुवाहाटी रंगिया बरपेटा रोड न्यू जलपाईगुड़ी मुकुरिया होते हुए मालदा टाउन स्टेशन पहुंचेगी। मालदा टाउन से भागलपुर जमालपुर किऊल जंक्शन होते हुए पटना जंक्शन पहुंचेगी। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि कुछ समय पहले अगरतला आनंद विहार टर्मिनल राजधानी एक्सप्रेस का परिचालन कटिहार खगड़िया मुंगेर जमालपुर किऊल पटना के रास्ते होने की बात कही गई थी, लेकिन समस्या ये आ रही थी कि इस रूट में भागलपुर स्टेशन कट रहा था, जिसके कारण ही रेलवे की सहमति नहीं बनी। भागलपुर जंक्शन पूर्व रेलवे का तीसरा और मालदा रेल मंडल का पहला राजस्व देने वाला स्टेशन है। अब रेलवे नए रूट से परिचालन शुरू होने की कवायद कर रही है, जिससे आने वाले समय में यात्रियों को काफी ज्यादा राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।